आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फर्स्ट टाइम पीएनबी वन एप्लीकेशन में कैसे लॉगिन किया जाता है, पीएनबी वन एप्लीकेशन को कैसे मैनेज किया जाता है, उनसे कैसे मनी ट्रांसफर या चेकबुक अप्लाई या एटीएम कार्ड ब्लॉक या एटीएम कार्ड अप्लाई कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीएनबी वन एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से पीएनबी वन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओपन करेंगे इसको यहाँ से हम। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे। अगर आपका डेबिट कार्ड आ गया है तो रजिस्ट्रेशन विद डेबिट कार्ड फर्स्ट वाला ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अगर आप बिना डेबिट कार्ड के करना चाहते हैं तो सेकेंड वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर आप आधार के थ्रू करना चाहते हैं तो थर्ड वाला ऑप्शन को चूज़ करेंगे। चलिए हम थर्ड वाला ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन विद आधार, इसको चूज़ करेंगे। स्क्रॉल करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, यहाँ से पेन नंबर चूज़ कर लेंगे, पेन नंबर डाल देंगे। यहाँ इंटरनेट बैंकिंग करना चाहते हैं या मोबाइल बैंकिंग, हम दोनों करेंगे तो नीचे वाला को चूज़ कर लेंगे। और यहाँ व्यू ओनली करना चाहते हैं या व्यू एंड ट्रांजेक्शन, इसको हम चूज़ करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी यहाँ फिल करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आपको पूरा आधार नंबर फिल करना होगा। उसके बाद ये कंसर्न देंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी यहाँ फिल करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से एक पासवर्ड चूज़ करेंगे, यहाँ पासवर्ड को कन्फर्म कर देंगे। यहाँ से ट्रांजेक्शन पासवर्ड चूज़ करेंगे, यहाँ ट्रांजेक्शन पासवर्ड को कन्फर्म कर देंगे। यहाँ से ट्रांजेक्शन पिन चूज़ करेंगे और यहाँ से पिन को कन्फर्म कर देंगे। उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। योर यूज़र आईडी इज़ इतना, ये वाला आपका यूज़र आईडी है, इसको हम यहीं से कॉपी कर लेंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। साइन इन पर क्लिक करते ही आपको यहाँ होम पेज में ला करके छोड़ेगा। आप यहाँ से प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे, यहाँ अपना यूज़र आईडी डालेंगे और साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप वही यूज़र आईडी डालेंगे जो अभी आप क्रिएट किए। साइन इन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ सिम पूछेगा आपका कौन सा सिम है, हम सिम वन चूज़ कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजेगा। वो ओटीपी यहाँ फिल करेंगे, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ एम पिन जनरेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आप एम पिन को डाल देंगे, उसके बाद एम पिन को यहाँ कन्फर्म कर देंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये एम पिन आपको जब भी आप ऐप में लॉगिन करेंगे यही एम पिन डाल के आपको ऐप में लॉगिन करना होगा। उसके बाद आपका एम पिन भी सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। हम यहाँ साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम अपना एम पिन डालेंगे और ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद देखिए नमस्ते पीएनबी वन इज ऑफरिंग यू, ये आपका सामने आ जाएगा। इसको ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ से डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। यहाँ व्यू पे क्लिक करके अपना अकाउंट का बैलेंस आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से आपको लोन का ऑफर मिलता है, प्री अप्रूव लोन, यहाँ पे क्लिक करके आप अपना लोन चेक कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट एफडी, अगर एफडी के अगेंस्ट आप एक क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। प्री क्वालिफाइड क्रेडिट कार्ड यहां से आप ले सकते हैं। कार्डलेस कैश विड्रॉल यहां से आप कर सकते हैं। यहां इस पर क्लिक करेंगे तो आपका बिना कार्ड का पेमेंट निकाल सकते हैं। यहां से अपना कार्ड चूज़ कर लेंगे और यहां से अमाउंट डाल देंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फंड ट्रांसफ़र पर क्लिक करके किसी को भी आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यूपीआई पर क्लिक करके आप यूपीआई से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहां से बिल पे कर सकते हैं, यहां से रिचार्ज कर सकते हैं। पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके आप किसी को भी मोबाइल नंबर के जरिए से पैसे भेज सकते हैं। मैनेज बेनिफिशियरी पे करके आप एक बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं। बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए ऐड बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर डालेंगे, अकाउंट नंबर को कंफर्म करेंगे, यहाँ से उसका निक नेम डालेंगे और डेली ट्रांजेक्शन लिमिट डालेंगे, कितना आप उसको दिन भर पैसा भेज सकते हैं। उसके बाद डेली नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन लिमिट डाल देंगे, यहाँ कितना ट्रांजेक्शन तक उसको आप भेज सकते हैं। उसके बाद व्यू समरी पे क्लिक करेंगे, अगर वो दूसरा बैंक का खाताधारी है तो अदर चूज़ कर लेंगे यहाँ से और उसका यहाँ अकाउंट नंबर डालेंगे, आईएफएससी कोड, अकाउंट होल्डर नेम और डेली ट्रांजेक्शन लिमिट और डेली ट्रांजेक्शन अमाउंट डाल देंगे। उसके बाद व्यू समरी पे क्लिक करेंगे तो आपका बेनिफिशियरी 3-4 घंटे के अंदर ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप जितना भी उसमें लिमिट चूज़ करेंगे उतना ही लिमिट के हिसाब से उसको पैसे भेज सकते हैं। पीएनबी क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। पीएनबी फास्टैग रिचार्ज यहाँ से कर सकते हैं, आप फास्टैग के लिए रिचार्ज कर सकते हैं। ओपन एफडी या आरडी यहाँ से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे, यहाँ अदर सर्विसेज में आएंगे तो यहाँ से आप डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वर्चुअल डेबिट कार्ड यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से एम पासबुक को देख सकते हैं। आप यहाँ से पूरा अपना खाता को मैनेज कर सकते हैं, कब कहाँ कितना ट्रांजेक्शन किए वो यहाँ से एम पासबुक में शो करेगा। उसके बाद चेक पर क्लिक करके आप एक चेकबुक के लिए यहीं से रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। चेकबुक को यहीं से रोक भी सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं, उसका यहीं से स्टेटस भी चेक कर सकते हैं।
यहाँ से लास्ट 10 ट्रांजेक्शन आप SMS में प्राप्त कर सकते हैं। यहीं पे क्लिक करके आप प्राप्त कर सकते हैं। व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा सर्विसेज यहाँ से खुल के आ जाएगा। यहाँ से उसका आप पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ कोने में सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पूरा सर्विस खुल के आ जाएगा। यहाँ से आप अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं पूरा। उसके बाद यहाँ से डेबिट कार्ड को मैनेज कर सकते हैं, नया डेबिट कार्ड यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ATM लिमिट हटा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, डेबिट कार्ड को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, यहाँ से डेबिट कार्ड को ऑफ या ऑन कर सकते हैं, हॉटलिस्ट में डाल सकते हैं, उसका पिन यहीं से जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद चेक पे क्लिक करके आप यहीं से एक चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, चेकबुक का यहीं से स्टेटस प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा। यहाँ से अपना पूरा प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं। माई प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपडेट यूजर आईडी पे क्लिक करके आप यहाँ से अपना एक प्रोफेशनल यूजर आईडी चूज कर सकते हैं। KYC स्टेटस पे क्लिक करके आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं KYC का। यहीं पे आपका डेट आ जाएगा, कब किए हैं, कब KYC आपका कंप्लीट हुआ है। उसके बाद यहीं से आप अपना इसमें ऐप में बायोमेट्रिक लॉक लगा सकते हैं। इनेबल बायोमेट्रिक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसको इनेबल कर देंगे तो आपका फिंगरप्रिंट से ये ओपन होने लगेगा। हम ओके कर दिए हैं तो ये मेरा जब भी हम इसको ओपन करेंगे तो ये फिंगरप्रिंट से ओपन होगा। यहाँ अपना हम MPIN चूज़ कर लेंगे, डाल देंगे MPIN। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपका यहाँ से सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद हम बैक जाएंगे, जब भी हम इस ऐप को ओपन करेंगे तो हम फिंगरप्रिंट से इसको ओपन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।